अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैयद नसीशा बुखारी और आज मैडम से मैडम का इंटरव्यू लेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं? खैरियत से? अपना तारुफ कराइएगा प्लीज, अल्लाह का करम, अपना तारुफ कराइएगा। अच्छा ठीक है मैडम, आज ये मिलाद की महफिल सजाई गई, बड़ी खुशी हुई मुझे, आपने भी इसमें शिरकत की। इस हवाले से आप जो है ना मुझे आका की शान में दो बोल अगर पढ़ के सुना दें तो। फिर आका की शान अच्छा मैडम, ये जो आका की महफिल सजाई जाती है तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा। देखिए ये मतलब हर साल आपका इस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है और अपनी महफिल को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजाते हैं। आपने देखा है कि इस कदर बड़ी तादाद में लेडी लॉयर्स मौजूद थी और इस आपको इतनी बड़ी तादाद में लॉयर्स को देख के अल्लाह आप हमारे प्यारे नबी की महफिल को खुद ही सजा दें। आमीन आमीन। और हर साल इस तरह से हमारे प्यारे नबी की महफिल है जिसको हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम इसमें शरीक हों और इसमें जितनी इसकी बदते हैं उनको हम हासिल करें। जजाक अल्लाह सुभान अल्लाह। हर साल इसी तरह से महफिल सजाई जाती है? हर साल सजाया जाता है, आई के बारे में भी इसी तरह महफिल का इनकार होता है और हम लोग अपने कराची बार एसोसिएशन में भी हर साल मिलाद की महफिल होती है। एक मिलाद की महफिल हमारे यहाँ नहीं होती बल्कि हमारे बहुत सारे दोस्त साथी बहुत सारे लोग जो है इन महफिलों का 12 रबी अव्वल के महीने में जो है वो इसका एहतमाम। जजाकल्ला जजाकल्ला। मतलब आप आका की शान में मतलब हाई कोर्ट बार, सिंध कोर्ट बार और कराची बार मेलाद की महफिल हर साल इसी तरह से सजाते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, आपने इंटरव्यू दिया मैडम। ये देख सकते हैं आप और यहाँ पर खवातीन की बड़ी तादाद है। किस्मत हो मैडम सुरैया खानजादा। मैडम सुरैया खानजादा है ना आप? पता क्यों मैंने आपको पहचाना? आप मेरी आईडी पे ऐड है। मैडम आप कुछ कहिएगा आका की शान में? जितना कहा जाए बहुत कम है। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी खुशी हुई आपने आज मिला। अस्सलाम वालेकुम, मैंने मैं सैयद नसीशा बुखारी, आज हाई कोर्ट बार में मिलाद हुआ, मिलाद की महफिल सजाई गई, इनसे जो ना मैडम से इंटरव्यू लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैडम आप? ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने मिलाद किया और जो है ना अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इस सिलसिले में आप कुछ मुझे बताइएगा कि मिलाद की महफिल सजाई जाती है, आका की महफिल सजाई जाती है, तो आप कुछ फरमाइएगा आका की शान में, दो बोल पढ़ के सुना दें। आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। मैं हाई कोर्ट बार की जो है बहुत मशहूर हूँ कि उन लोगों ने बहुत टाइम के बाद यहाँ लेडीज का एक अलग मिलाद का इनका करा के तमाम जितने भी लेडीज बार की थी उन्हें शुक्रिया का मौका उन्होंने दिया और बहुत सारा शुक्रगुजार हूँ। फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो आका की महफिल है वही लोग आते हैं इसके अंदर जिनको सरकार बुलाते हैं, मगर हमारी सारी लेडीज जितनी भी थी, बाकी सीनियर भी, जूनियर भी, यंग लॉयर्स भी, सब ने इसमें शिरकत करके हम सबको शुक्रिया का मौका दिया। अच्छा बहुत शुक्रिया, मतलब आपने बहुत अच्छी बात की और आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे करना। यसीन हाई कोर्ट बार की तरफ से ईद मिलाद उन नबी की महफिल। मैडम अपना तारुफ कराइएगा। जी मेरा नाम है फौजिया मुश्ताक, एडवोकेट हाई कोर्ट और मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी हाई कोर्ट बार। अच्छा अच्छा ठीक है, माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी, वॉइस भी बहुत प्यारी थी और आपने प्रोग्राम को भरपूर तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया। थैंक यू सो मच मैडम, आपने जो है ना हमें वक्त दिया, टाइम दिया इंटरव्यू के लिए, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। ये देख सकते हैं आप और यहाँ पर माशाल्लाह से लंगर वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है और मेलाद की महफिल सजाई गई है यहाँ पर और यहाँ पर लंगर वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है, ये देख सकते हैं आप। डेली GTN न्यूज़ पाकिस्तान के सब्सक्राइबर बेल के बटन को दबाएं। थैंक यू।